गुजरात और हिमाचल की विधानसभा चुनाव में जीत मिलते ही केंद्र की मोदी सरकार ने जनता को महंगे पेट्रोल और डीजल का रिटर्न गिफ्ट दे दिया है। इन दोनों राज्यों में चुनाव के नतीजे 14 दिसंबर को आए थे और नतीजों के 48 दिनों के अंदर दिल्ली में पेट्रोल के दाम 3.85 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं। दिल्ली में 31 जनवरी को पेट्रोल का दाम 72.92 रुपए प्रति लीटर रहा, जो कि 14 दिसंबर को 69.07 रुपए प्रति लीटर था, जबकि डीजल के दाम 5.67 रुपए बढ़े हैं। दिल्ली में आज पेट्रोल का दाम 64 रुपए प्रति लीटर है, जो 14 दिसंबर को 58.33 रुपए प्रति लीटर था। पंजाब की बात की जाए तो ये वृद्धि पेट्रोल में 4 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 6 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा है। चुनाव आयोग ने 25 अक्टूबर को इन दोनों राज्यों में चुनाव की घोषणा की थी। जिस दिन ये घोषणा हुई उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $52.15 प्रति बैरल थे। ये दाम 14 दिसंबर यानी चुनाव नतीजों के दिन $57.06 प्रति बैरल पहुंच गए, लेकिन पेट्रोल व डीजल के दाम में नाम मात्र वृद्धि ही हुई। इन 51 दिनों में पेट्रोल महज 45 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ, जबकि डीजल के दाम में 1.18 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई। लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, तेल कंपनियों ने रोजाना पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।